अयोध्या का आरंभ जितना गौरवशाली रहा उसके बाद का इतिहास उतना ही विवाद, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला विवाद। हालांकि पिछली 5 शताब्दियों से चला आ रहा तनाव अब खत्म हो गया है और वहां श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। अयोध्या के अध्याय में विवाद की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब बाबर ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक ये वो विवाद रहा जिसने देश की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। बाकी हम कार सेवा सही जगह पर करेंगे, मंदिर में ही करेंगे। जिसने हिंदू मुस्लिम के बीच एक कभी ना पाटी जा सकने वाली खाई खोद दी। इसकी वजह से हिंसा और खून खराबा हुआ, लोग मारे गए। सालों तक देश की सबसे बड़ी अदालत में इस समस्या को सुलझाने के लिए सुनवाइयां हुई, दलीलें पेश की गई, तब जाकर ये विवाद खत्म हुआ। अयोध्या में उस स्थल पर मस्जिद बनवाया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य भगवान श्री राम की जन्मस्थली मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यह मस्जिद बनवाई जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। इसके साथ ही विवाद की बीज बो दी गई थी जो साल दर साल बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष बन गई जिसकी शाखाएं अयोध्या से निकलकर पूरे देश में छा गई। यानी ये मसला देशव्यापी बन चुका था। कहा जाता है कि अयोध्या में इस मुद्दे पर पहली सांप्रदायिक हिंसा 1853 ईस्वी में हुई जब निर्मोही अखाड़ा ने इस ढांचे पर अपना दावा कर दिया। निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 साल तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। इस दौरान 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे। ये वो समय था जब देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। उस वक्त 1857 के पहले आंदोलन के कारण अयोध्या का मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। इसी दौरान 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार खड़ी कर दी। परिसर के भीतर के हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। इस बीच दोनों समुदायों के बीच का तनाव बढ़ता ही जा रहा था। मंदिर मस्जिद का विवाद इतना भयावह हो गया कि पहली बार मामला कोर्ट तक पहुंचा। हिंदू साधु महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी। हालांकि कोर्ट ने यह अपील ठुकरा दी। जज पंडित हरिशंकर ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि यह चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ शांत हो गया, यूं कह सकते हैं कि मामला और बढ़ता गया और इसके बाद शुरू हुआ सिलसिलेवार तारीखों का सिलसिला।